मेरे कपड़े फाड़ दिए गए थे और बेइज्जत करके गाड़ी में डाला गया था। ये महिला सुरक्षित है? ये महिला सुरक्षित है? मणिपुर में जाके पूछिए, महिला सुरक्षित है? देश में धर्म के नाम पर लड़ाने के अलावा भाजपा कोई कार्य नहीं कर रही है। सिलेंडर का रेट स्मृति अब डायन नहीं है? स्मृति जी को ये पूछना है, महंगाई अब डायन नहीं है? स्मृति जी जवाब दे कि अब महंगाई डायन क्यों नहीं है? आज महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। आज बैरियर छोड़िए, युवा कांग्रेस की ये ताकत है कि हम बैरियर क्या, हम जहां भी जाएंगे हम युवा कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी की सेना है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। डरते हैं सच, सच से डरते हैं, सच का सामना करने से डरते हैं। सच की ताकत को रोका जा रहा है, पर सच की ताकत ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। मणिपुर से लेकर हरियाणा तक सब कुछ जल रहा है और मोदी के मुंह से मैं तक नहीं निकल रहा है। इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इस देश का शासक मौन है, वो मनमोहन जी जो असरदार सरदार थे उनको मौन मोहन बोलते थे। आज सबसे बड़ा मौन अगर किसी ने धारण किया हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है बड़ी प्रदर्शन की जा रही है, बहुत बड़ा और लाखों की संख्या में जो है यहां पर यूथ मौजूद है। संसद का घेराव करने जा रहे हैं और संसद का घेराव करने के लिए इन्हें रोका जा रहा है, इसलिए जो है ये लोग बैरिगेड फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस रेस में देखा जाए तो महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाएं भी जो है वो बैरिगेड चढ़ चुकी हैं और दूसरी तरफ जाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है युवा मौजूद है और बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी आए हुए हैं। यूथ प्रेसिडेंट जो बता दें आपको वीवी श्रीनिवास भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी इसी भीड़ में कहीं ना कहीं है और वो कोशिश में लगे हैं कि बैरिगेड बांधकर जो है संसद की ओर क्या कुछ जो करना है इन्हें उसके लिए जो है बैरिगेड तोड़कर आगे जा सके। इस चीज के लिए ये जो है तमाम जो लोग हैं पर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से शांतिप्रिय प्रदर्शन? देखिए, हम एक ही सवाल पूछता है हमारा भारत का प्रधानमंत्री जी से, मणिपुर में क्यों घटना हुई? मणिपुर में जो दो कम्युनिटी है कुकी और मैथी के बीच में क्यों घटना हुई? इस घटना के जिम्मेदार कौन है और ये घटना जल्दी के जल्दी समाप्त करना चाहिए। हम लोग शांति मांग रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं नफरत के बाजार में। ये बताइए, यहाँ पर जो लोग चढ़े हुए हैं डर नहीं लग रहा? करंट लग जाएगी उन्हें, करंट लग जाएगी। किस तरीके से जो है लोग पोल पर चढ़ गए हैं, बैरिगेड के बाद वो लोहे की बैरिगेड है उसके बाद पोल का सहारा ले रहे हैं, अगर पोल टूट गया तो कई सारे लोग जो है उनको करंट आएगा और लोगों को खतरा हो सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सुरक्षा कर्मी जो है वो जो है पूरी तरीके से तैनात है और लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संख्या है वो इतनी बड़ी है कि ये भी रोक पाने में असमर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो क्या कहेंगे मैम, किस तरीके से आप लोग यहाँ जिस तरीके से ये हो रहा है, लोग गिर जाएंगे, करंट लग सकती है वहाँ पर, इस बात का ध्यान नहीं है? आप ये बताइए, पिछले प्रोटेस्ट में मैं खुद नीचे गिरी थी, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए थे और बेइज्जत करके गाड़ी में डाला गया था। ये महिला सुरक्षित है? ये महिला सुरक्षित है? मणिपुर में जाके पूछिए, महिला सुरक्षित है? देश में धर्म के नाम पर लड़ाने के अलावा भाजपा कोई कार्य नहीं कर रही है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, आम जनता परेशान, युवा बेरोजगार, महिला परेशान, गैस सिलेंडर का रेट, स्मृति अब डायन नहीं है? स्मृति जी को ये पूछना है, महंगाई अब डायन नहीं है? स्मृति जी जवाब दे कि अब महंगाई डायन क्यों नहीं है? आज महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। यहाँ पर आप लोग बैरिगेड क्यों चढ़ रहे हैं? आपको इतने मुख्य मुद्दे बताए, आज देश में भुखमरी छाई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम सीमा पर है, पूरे देश में महिला अपना घर कैसे चला रही है, इतनी महंगाई है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आप ये बताइए कि देश किस स्थिति में जा रहा है। आज बैरियर छोड़िए, युवा कांग्रेस की ये ताकत है कि हम बैरियर क्या, हम जहां भी जाएंगे हम युवा कांग्रेस के साथी राहुल गांधी जी की सेना है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। आपका संसद का घेराव करने का जो था वो नारा था, क्या रास्ता रोका जा रहा है आपका? रास्ता हमेशा रोका गया है हमारा।
क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है आगे? डरते हैं, सच सच से डरते हैं, सच का सामना करने से डरते हैं, सच की ताकत को रोका जा रहा है, पर सच की ताकत ना कभी रुकी है ना कभी रुकेगी। ये लोग लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं और संसद के घेराव करने के लिए जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों ने बैरिगेट लगाकर जो है वो शुरू कर दिया है, रोकना इनका रास्ता रोकना शुरू कर दिया है, और ये लोग जो है फिर भी रुकने को तैयार नहीं है, और ये लोग जो है बैरिगेट को कूद कर जो है उस तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यहाँ पर इस देखिए किस तरीके से जो है देखा जाए तो ये जो खंभा है, बिजली का जो खंभा है, वो लोगों के बाहर से यहाँ पर जो है ढीला पड़ गया है। वहाँ पर देखिए किस तरीके से ये जो खंभा है वो झुक गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर जो है मौजूद है उस पर लटके हुए थे, और जिसके कारण जो है भार के कारण जो है खंभा लटक गया है। और यहाँ पर जो जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और बैरिगेट जो है वो नीचे गिरता हुआ है, खंभे पे लटका हुआ है, जो ये लोग हैं इनको बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि ये जो है संसद का घेराव करना चाहते हैं, रास्ता रोक गया तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है, और ये किसी भी तरीके से संसद की तरफ जाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। क्या कहेंगी जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर खंभा झुकता हुआ जा रहा है, उखड़ता हुआ जा रहा है, डर नहीं लग रहा, करंट लग जाएगा, कई लोगों को नुकसान? राहुल जी ने एक बात करी थी कि डरो मत, आज आप ये सब चीजें देख रहे हैं, ये सिर्फ मैं एक चीज ज्यादा भाषण नहीं दूंगी, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, और वो जीत जो है वो आप कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं। रास्ता क्यों रोका जा रहा है आपका? आप, मैं मीडिया से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ पर जो है भगदड़ मच गई है और लोग जो है भागना वागना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भगदड़ मच रही है, धीरे धीरे रह रहकर जो लोग हैं वो थोड़ा थोड़ा आक्रोशित हो रहे हैं और आक्रोश दिखा रहे हैं अपना, इस वजह से जो है क्योंकि संख्या जो है वो बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, देश के अलग अलग राज्यों से है, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम लोग जो है वो उनका एक ही कोशिश है, संसद का घेराव करेंगे। जिस तरीके से सर, जिस तरीके से यहाँ पर रोका जा रहा है, खंभा जो है बिजली का वो झुकता हुआ जा रहा है, अगर गिर गया तो कई लोगों को नुकसान हो जाएगी, ये नहीं दिख रहा आप लोग को? हम तो बैरिकेड्स पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है, हम तो ये कहेंगे मणिपुर से लेकर हरियाणा तक सब कुछ जल रहा है, और मोदी के मुंह से मैं तक नहीं निकल रहा है, इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इस देश का शासक मौन है, वो मनमोहन जी जो असरदार सरदार थे उनको मौन मोहन बोलते थे, आज सबसे बड़ा मौन अगर किसी ने धारण किया हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। सर रास्ता क्यों रोका जा रहा है, रास्ता क्यों रोका जा रहा है आपका? ये पुलिस, ये प्रशासन, मोदी और अमित शाह का की ये पुलिस, ये यूथ कांग्रेस के इन सिपाहियों से डरती है, ये डरती है कि कहीं जायज मांगों को लेकर के ये जो आंदोलन कर रहे हैं, जो जायज मांगे मान रहे हैं उनको मांगने ना दिए जाए, जनता की आवाज ना उठाने दी जाए। यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो रस्सी खींची जा रही है, शायद ये बैरिगेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बैरिगेटिंग जो की गई है उसको तोड़ने की। आप रस्सी क्यों खींच रहे हैं, रस्सी क्यों खींच रहे हैं आप लोग? देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है लोग जो है वो रस्सी खींच कर बैरिगेट हटाने की कोशिश कर रहे हैं, रस्सी क्यों खींच रहे हैं? संसद घेराव की क्या रही है, रस्सी क्यों खींच रहे हैं आप लोग, रस्सी क्यों खींच रहे हैं सर, रस्सी क्यों खींच रहे हैं? ये सब कुछ हिंदू मुस्लिम के लिए जो ये मणिपुर में कांड हुआ है और बिना न्याय नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ इसलिए आज अंदर में राहुल गांधी आया है, और राहुल ये गांधी चलेगी तो वालों की आंधी, अंदर में दौड़ेंगे राहुल गांधी। ये बैरिगेट हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? शायद लगता है कि ये बैरिगेट को खींचने की कोशिश की जा रही है, क्यों खींच रहे हैं रस्सी, क्यों खींच रहे हैं? हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा, हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा, हम संसद का घेराव करने आए हुए हैं। कैसे बैरिगेट, हमें बैरिगेटर कौन लेके आजादी नहीं दी जा रही, बैरिगेट हटाने के बिल्कुल लॉकर रखा है, कहाँ से जाएंगे प्रदर्शन, कहाँ से किया जाएगा? क्या बैरिगेट हटाने के कोई तो जगह दी जाएगी, कहीं जाने के लिए कोई तो जगह दी जाएगी, आज तक
क्यों नहीं दिया जा रहा प्रोटेस्ट के लिए? बैरिकेड से बांधी हुई है क्या रस्सी? पूरी तरह से कवर कर रखा, बंद कर रखा है पूरी तरीके, इसको खींच के बैरिकेड हटाने और क्या रास्ता तो बनाना पड़ेगा। क्यों रास्ता क्यों रोका जा रहा है? अब देख लीजिए जो है पुलिस बल ने यहाँ पर रस्सी को हटा दिया है, सब लोगों को भगा दिया है। ये लोग रस्सी खींच कर जो है बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो है सुरक्षा बल भी जो है पूरी तरीके से तैनात है और अपने काम में लगी हुई है, लोगों को रोकने में लगी हुई है। और इस वजह से लोग जो है और भी आक्रोश में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भी आक्रोश उनमें दिखाई दे रहे हैं। जो लोग जो है बैरिकेड पर चढ़कर नारे लगा रहे हैं और लोग काफ़ी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी संख्या जो है वो मौजूद है और ये किसी को भी डर नहीं है कि चोट लग जाएगा, हमें करंट लग जाएगा, किसी भी बात की कोई भी डर इनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। बैरिकेड को तोड़ने की हर संभव इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जो है सुरक्षा बलों ने भी अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हुए इनको रोक लिया है, कुछ लोगों को रोक लिया है, बैरिकेड तोड़ने से जो है इनको रोक लिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन।